उत्तम क्लासेज स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एसडी सर। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारा 12th क्लास में 10वां लेसन चल रहा था हेलोजन विक्पल। उसमें हमारा टॉपिक है आज का, वो है हेलो एल्केन का विरचन। हेलो एल्केन को हम किन सोर्सों के द्वारा, किन रसायनों के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसमें एक विधि हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का अगर हेलोजनीकरण करता है, तब तो हमें प्राप्त हुआ था मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। और कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक है तो उसमें प्राप्त होता है एन एल्किल हैलाइड, आइसो एल्किल हैलाइड, नियो एल्किल हैलाइड। और इनका जो मिश्रण बनता है, चाहे मोनो डाई ट्राई टेट्रा का बना, चाहे एन आइसो और नियो को बना, तो इस मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है, वो करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। और ये विधि की, इस विधि की क्रिया विधि भी हमने देखी थी, 3 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होती है, श्रृंखला प्रारंभ, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन। अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं हेलो एल्केन बनाने की, नंबर 2 पर है वो दूसरी विधि है भाई एल्किनो की हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया से। एल्किनो की हेलो अम्ल के साथ, हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया से, हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया से। अगर एल्किन की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ करवाई जाती है, हेलो अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का मतलब तो होता है H+, अम्ल का मतलब तो क्या होता है H+, और हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन के अंतर्गत आती है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हेलो अम्ल की बात करें हम, केवल किसकी बात करें, हेलो अम्ल की, हेलो अम्ल इसको देख लेते हैं, फिर अभिक्रिया को देखते हैं। हेलो अम्ल की बात करें तो हेलो अम्ल में 4 हेलो अम्ल होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, फ्लोराइड सबसे पहले क्लोरीन होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और चौथा आता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसे तो आ गया अम्ल के लिए, और हेलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो आ गया। अब इनकी अगर हम क्रियाशीलता देख ले तो ऊपर से नीचे जाएंगे, हेलोजन में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने के कारण बंध लंबाई बढ़ेगी, जिससे स्थायित्व कम होगा बट क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो हेलो अम्ल की अगर क्रियाशीलता की बात की जाती है तो सर्वाधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन आयोडाइड और सबसे कम होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड हेलो अम्ल। ये हो गया इसका कौन सा क्रम, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता देखी जाती है सर्वाधिक किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की, सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। जो हम आगे 7वां पार्ट पढ़ेंगे उस समय इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब एल्कीन की है हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले एल्कीन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। अगर एल्कीन में भी सममित एल्कीन है, कैसी एल्कीन है, सममित, जैसे एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसी एथीन है, सममित। अगर सममित एल्कीन है और उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है हेलो अम्ल के साथ, तो यहां से एक, जैसे ये सममित एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया करवाती है हेलो अम्ल के साथ, ये HCl ले लिया हेलो अम्ल में, इसके साथ करवाते हैं। जब करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, ये जो बंध है ये बंध टूटेगा, और एक पाई बॉन्ड टूटता है तब 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2, एक इस कार्बन पर बढ़ेगा, एक इस कार्बन पर बढ़ेगा। इसमें भी अगर देखी जाती है इसकी विद्युत ऋणता कम है, इसका निष्प्रांशिक धनावेश, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका निष्प्रांशिक ऋणावेश। जिस पर ऋणावेश होता है वो तो होता है नाभिक स्नेह, कौन से स्नेह की भांति कार्य करता है, नाभिक स्नेह की भांति कार्य करता है, प्लस से स्नेह रखेगा। और जिस पर धनावेश होता है वो कार्य करता है इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति, जिस पर धनावेश आ जाएगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति। तो इसमें नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह किसी भी बहुबंधित कार्बन पर जा सकता है, कोई भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी, दोनों कंडीशन में उत्पाद है वो एक समान प्रकार का होगा। जैसे ये नाभिक स्नेह यहाँ पर जाएगा तो भी वैसा ही उत्पाद बनेगा, यहाँ पर जाएगा तो भी वैसा ही उत्पाद बनेगा। जैसे अगर ये यहाँ पर जाता है ये यहाँ जाएगा, बन जाएगा क्या भाई, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा। इस सिग्मा बॉन्ड पर तो कौन जा रहा है, नाभिक स्नेह, ये नाभिक स्नेह हो गया। दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना वहां पर कौन सा स्नेह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेह, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह CH3 CH2 CH, मतलब क्या बन गया, 1 क्लोरो एथेन, क्या बन गया भाई, 1 क्लोरो एथेन, ये उत्पाद बन गया। तो सममित में भी दोनों कंडीशन में उत्पाद है वो एक समान प्रकार का होगा, परंतु यह सममित एल्कीन नहीं होकर के, ये तो कैसी एल्कीन थी, सममित एल्कीन थी,
बट समित की बजाय अगर असमित एल्किन है, कैसी एल्किन है, असमित, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यह है असमित एल्किन, कैसी एल्किन है, असमित, असमित एल्किन। अब इस असमित एल्किन पर जब हेलो अम्ल आक्रमण करता है या इसके साथ जब हेलो अम्ल क्रिया करता है, जैसे ये ले ली हेलो अम्ल में एच सी एल, अब यहां पर देखोगे तो एच की विद्युतीयता ज्यादा है, इसका आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन की कम है, इसका आंशिक धनावेश, मतलब ये कौन सा नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन से नाभिक से नहीं हो गया, कौन सा नहीं हो गया, नाभिक से नहीं, और हाइड्रोजन कौन सा नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं, कौन सा नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये हो गए। अब अगर यहां पर हम देखें ये असमित एल्किन है, हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहां पर जो नाभिक शनई अभिकर्मक है, कौन सा शनई अभिकर्मक है, नाभिक शनई अभिकर्मक, ये नाभिक शनई अभिकर्मक उस बहुगंधित कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, क्या होती है, कम, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, दो, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, एक, बहुबंधित कार्बन की बात की जाती है, कौन से कार्बन की, बहुबंधित कार्बन की जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उस पर हेलोजन या हाइड्रोजन हेलाइड या हेलो अम्ल क्रिया करेंगे तो उसका नाभिक शनई अभिकर्मक उस बहुबंधित कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम, और नाभिक शनई तो हो गया यहां पर, और इलेक्ट्रॉन शनई है वो उस बहुबंधित कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है अधिक। इस नियम को कहा जाता है मार्कोनिकोफ नियम, कौन सा नियम कहा जाता है भाई, मार्कोनिकोफ नियम, इंपॉर्टेंट नियम है, तो अगर पूछ ले मार्कोनिकोफ नियम किसे कहता है, तो ये नियम कहता है कि यदि असमित एल्किन पर हेलो अम्ल या कोई ध्रुवीय अणु आक्रमण करता है तो उस ध्रुवीय अणु का नाभिक शनई अभिकर्मक उस बहुबंधित कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन शनई अभिकर्मक उस बहुबंधित कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, जैसे ये HCl इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या भाई, ये बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना, जहां पर कम है हाइड्रोजन परमाणु वहां पर तो जाएगा Cl, जहां ज्यादा है वहां पर क्या जाएगा H। अगर हम इसकी बात करें तो ये दूसरे पर Cl जुड़ा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-chloropropane, 2-chloropropane, ये बन गया उत्पाद। परंतु इसी एल्किन पर, यह असमित एल्किन है, इसी एल्किन पर हेलो अम्ल आक्रमण करता है, हेलो अम्ल में यही ले लिया HCl, परंतु यह आक्रमण वो परोक्साइड की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, परोक्साइड की उपस्थिति, परोक्साइड की उपस्थिति, परोक्साइड का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑक्सीजन परमाणु, जब दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दो, तो इसकी भी एक मुक्त होगी, इसकी भी क्या होगी, एक मुक्त, इसको बोलते हैं परोक्साइड, क्या बोलते हैं, परोक्साइड। जैसे अगर इन पर दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये होगा HOOH, इसको बोल देंगे हाइड्रोजन परोक्साइड, क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड। अगर इस पर सोडियम जुड़ जाता है तो उसको बोल देंगे सोडियम परोक्साइड, पोटेशियम जुड़ जाएगा पोटेशियम परोक्साइड, लिथियम जुड़ जाएगा तो लिथियम परोक्साइड, जब दो ऑक्सीजन के परमाणु सीधे आपस में जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परोक्साइड बोलते हैं। तो ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, परोक्साइड में, असमित एल्किन की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ करवाई जाती है, हेलो अम्ल में इसकी विद्युतीयता ज्यादा है, इस कारण इस पर ऋणावेश, और इस पर कौन सा आवेश, धनावेश, जिस पर ऋणावेश है वो किसकी भांति कार्य करेगा, नाभिक शनई की भांति, और जिस पर धनावेश है वो किसकी भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन शनई की भांति, इलेक्ट्रॉन शनई की भांति। तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, परोक्साइड की उपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट है। तो परोक्साइड अगर उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया तो उस कंडीशन में इसका उल्टा हो जाएगा, यहां तो नाभिक शनई अभिकर्मक कहां गया था, जहां बहुबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और इसमें बहुबंधित नाभिक शनई अभिकर्मक उस बहुबंधित कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, मतलब ये जो समूह है ये समूह वहां पर जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और इलेक्ट्रॉन शनई अभिकर्मक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो उत्पाद क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा जैसे ये थी
सी एच थ्री सी एच पर बोन टूट गया, सिंगल बोन बच गया सी एच टू, एक से लिखता या खाली, एक से लिखता या खाली, यहाँ हाइड्रोजन दो है या एक है, दो वाले पर तो आएगा सी एल और एक वाले पर आएगा एच, उत्पाद क्या बन जाएगा वन क्लोरो एच एच, क्या बन जाएगा वन क्लोरो सॉरी प्रोपेन, तीन गार बने ना वन क्लोरो प्रोपेन, वहां तो बना था टू क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पर बन गया वन क्लोरो प्रोपेन। ये परोक्साइड की उपस्थिति में होती है, तो ये तो हुआ मार्कोनिक नियम, इस नियम को बोलते हैं एंटी मार्कोनिक नियम, प्रति मार्कोनिक नियम, मार्कोनिक नियम, या इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं ह्रास प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोला जाता है इसको? ह्रास प्रभाव, ह्रास प्रभाव। थ्योरी के रूप में इसको एक बार परिभाषित वापस कर लेते हैं पूरे कोई। अगर असमित एल्किन है उस पर कोई भी ध्रुवीय अणु आक्रमण करता है और ध्रुवीय अणु आक्रमण करेगा नाभिक संघनन अभिकर्मक उस बहुबंधित कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और अगर परोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो नाभिक संघनन अभिकर्मक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। अगर उपस्थिति नहीं है परोक्साइड की तब तो उसको बोलते हैं मार्कोनिक नियम, उपस्थिति है तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक नियम। मार्कोनिक नियम में जैसे इससे कराया तो बन गया टू क्लोरो प्रोपेन, एंटी मार्कोनिक में बन गया वन क्लोरो प्रोपेन, या ह्रास प्रभाव में ये बन गया। इसके अलावा भी आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि अगर असमित एल्किन की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन संघनन अभिकर्मक वहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन संघनन की बात करें जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन संघनन अभिकर्मक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। अब हम देखते हैं इन दोनों की मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में क्रिया विधि किस प्रकार की होती है। पहले मार्कोनिक नियम की देख लेते हैं, उसके बाद में एंटी मार्कोनिक नियम की कहेंगे। मार्कोनिक भी कह सकते हैं और मार्कोनिक एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, ये असममित एल्कीन है, इस असममित एल्कीन में विपाटन होता है, विभाजन होता है, असममित विदलन होता है। जैसे ये है सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच टू, इसका विपाटन होता है, ये पाई बोन टूटेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, एक बार जाते हैं इस पर एक बार जाते हैं इस पर, दोनों कंडीशन में हम लेके देख लेते हैं। ये हो गया इसका विपाटन, इस पर जाएंगे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए एक ये जुड़ा हुआ संयोजी कोष के, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, दो और आ जाएंगे पांच हो गए, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चार, यहाँ पर कितने हो गए पांच, इसका निष्प्रावेश कौन सा हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं इसका निष्प्रावेश कौन सा हो जाएगा माइनस, इसके संयोजी कोष में से कितने इलेक्ट्रॉन गामा है तीन, एक कम है, इसका निष्प्रावेश कौन सा हो जाएगा प्लस। और इसका विपरीत अगर इस प्रकार का विपाटन होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाता है, इस पर जाएंगे तो माइनस इस पर आएगा, इस पर जाएंगे तो माइनस यहां पर आ जाएगा, जैसे ये संरचना बन जाएगी सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तीन बंध तो बढ़ रहे हैं एक हाइड्रोजन से दो कार्बन से, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए तीन और दो कितने हो गए पांच, इसका निष्प्रावेश कौन सा हो जाएगा माइनस, इसके संयोजी कोष में तीन इलेक्ट्रॉन हुए इसका निष्प्रावेश कौन सा हो जाएगा प्लस। अब इस पर आक्रमण करता है नाभिक इलेक्ट्रॉन संघनन अभिकर्मक, कौन आक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन संघनन अभिकर्मक, यहां पर इलेक्ट्रॉन संघनन अभिकर्मक कौन सा है एच प्लस, तो इस पर भी आक्रमण करेगा एच प्लस और इस पर भी आक्रमण करता है एच प्लस। जब एच प्लस आवेश करता है आक्रमण करेगा तो हम जानते हैं समान आवेशों में तो होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है आकर्षण, तो ये एच प्लस है वो कहां जाएगा यहां पर जाएगा, और यहां पर एच प्लस है वो कहां जाएगा यहां पर जाएगा यहां पर। अब दोनों जैसे आक्रमण करेंगे तो इसमें आक्रमण हुआ ऊपर वाले में तो क्या बन जाएगा आगे, ये यहां आते ही ये बन गया भाई सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, और इस पर कौन सा आवेश है धनावेश, कौन सा आवेश है धनावेश। अगर दूसरे की बात करें तो ये रहा दूसरा, ये यहां पर आक्रमण कर देगा क्या बन जाएगा ये बन गया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू, इस पर कौन सा आवेश है धनावेश, क्या बन गए दोनों कार्ब धनायन बन गए, क्या बन गए भाई कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। और हम जानते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा है कार्ब धनायनों के स्थायित्व की बात की जाती है, कार्ब धनायन की तो सर्वाधिक स्थायी कौन होता है तीन डिग्री, उसके बाद कौन होता है दो डिग्री, उसके बाद कौन होता है एक डिग्री,
तो ये तो कार्बन एनायन देखोगे, कार्बन एनायन में कौन सा कार्बन एनायन है, दो डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पर दना वैसे उस पर एल्केलसिन होता है दो, तो ये कौन सा कार्बन एनायन है, दो डिग्री। इसमें जिस कार्बन पर दना वैसे उस पर एल्केलसिन होता है एक, तो ये कौन सा है, एक डिग्री। एक डिग्री दो डिग्री की बात की जाती है तो ज्यादा स्थायी होता है दो डिग्री, कौन सा ज्यादा स्थायी होता है, दो डिग्री। इस कारण आगे अभिक्रिया में प्रयुक्त कौन सा कार्बन एनायन होगा, दो डिग्री कार्बन एनायन होगा। तो ये तो हो गया पद नंबर एक। फिर आ जाएगा पद नंबर दो, दूसरे पद में क्या होगा, अब आगे अभिक्रिया में भाग ये नहीं लेगा क्योंकि इसका स्थायित्व तो कम है, क्योंकि हमें उत्पाद बनाना है और उत्पाद क्या होना चाहिए, स्थायी होगा, इसलिए कौन सा कार्बन एनायन आगे काम आएगा, दो डिग्री। और दो डिग्री कार्बन एनायन में वो क्या है भाई, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है CH3। अब इस पर आक्रमण करेगा, पहले अब कर दिया इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, अब आक्रमण करेगा कौन सा अभिकर्मक, नाभिक से नहीं अभिकर्मक, और नाभिक से नहीं अभिकर्मक में कौन सा है, यहाँ पर Cl-। ये जब आक्रमण करेगा तो ये किस पर जाएगा, प्लस पर जाएगा, जैसे ही प्लस पर जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर जुड़ जाएगा ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक, ये Cl जुड़ गया, क्या बन गया भाई, टू क्लोरो प्रोपेन। ये तो हो गया मार्गोनिक नियम की अभिक्रिया। इसमें डबल बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं दो, और दोनों में एक नाभिक से नहीं जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम भी दे सकते हो आप, ये अभिक्रिया वो इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि योग हो रहा है, कोई भी प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि पहले पद में यहाँ पर कौन सा अभिकर्मक आक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, और उसके बाद कौन सा अभिकर्मक आक्रमण कर रहा है, नाभिक से नहीं, और इसमें दो डिग्री अधिक स्थायी होता है, 1 डिग्री की दुर्घटना में कारण दे रहे, इसलिए जो उत्पाद बना वो बना 2-क्लोरो-प्रोपेन। ये तो हो गए मार्गोनिक नियम की क्रियाविधि। अब हम पढ़ते हैं प्रतिमार्गोनिक या एंटी मार्गोनिक नियम की क्रियाविधि। एंटी मार्गोनिक में असममित एल्कीन है वो ये इस प्रकार की है, पहले स्टेप में इसमें अभिक्रिया ऐसी होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर तो विघटन हुआ था, वो होता हुआ था असमाक्ष, मतलब दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन एक इस पर गए थे एक इस में गए थे, यहां पर जो विघटन होगा वो समाक्ष प्रकार का होगा, मतलब ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा उसके दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इस कार्बन पर, तो इस प्रकार का यौगिक बन जाएगा, अगर यहाँ पर जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। अब इस पर आक्रमण करता है, इसमें भी एक समान प्रकार का विघटन होगा HCl में, जैसे ये है HCl, ये बंद टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का मुक्त गोलक बन जाएगा, एक Cl का मुक्त गोलक बन जाएगा। अब इस पर आक्रमण करता है Cl का मुक्त गोलक, किसका मुक्त गोलक आक्रमण करता है, Cl का मुक्त गोलक। अब ये जो Cl का मुक्त गोलक है इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्रिया कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्रिया कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देगी और बंद बना देगा, जब इसके साथ क्रिया करता है क्या बन जाता है, ये बन जाएगा CH3 CH, ये जुड़ गया Cl, पीछे क्या बच गया CH2, इस पर क्या बन गया, एक मुक्त मूलक। अगर इस पर आक्रमण करता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, यहां पर क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक, ये बन गया मुक्त मूलक। ऊपर वाले में मुक्त मूलक देखे, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है मुक्त मूलक, उस पर एल्केल समूह की संख्या एक है, कौन सा डिग्री बना मुक्त मूलक, एक डिग्री। और अगर यहां पर बात की जाए तो जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर कार्बन परमाणु की संख्या देखी जाए या एल्केल समूह की संख्या देखी जाए तो कितनी है, दो, इसलिए कौन सा मुक्त मूलक है, दो डिग्री मुक्त मूलक है। जिस प्रकार से कार्बन एनायनों में स्थायित्व 3 डिग्री का सर्वाधिक होता है, उसी प्रकार मुक्त मूलकों में भी स्थायित्व ज्यादा किसका होता है, 2 डिग्री का। अगर इन दोनों के स्थायित्व की बात की जाती है तो 2 डिग्री मुक्त मूलक है वो 1 डिग्री की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी, और ये जो बड़े हैं वो क्या है, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलकों में स्थायित्व क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम किसका होता है, 1 डिग्री का होता है। अब आगे अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो कौन से डिग्री का मुक्त मूलक होगा, 2 डिग्री का। तो दूसरे स्टेप में ये अभिक्रिया हो जाएगी भाई, जिसमें है आपके 2 डिग्री मुक्त मूलक CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जिस पर मुक्त मूलक है, फिर CH2 CH,
पहले एक मुक्त मूलक जुड़ गया था किसका, सीएल का। अब इस पर आक्रमण करेगा वो कौन सा हो जाएगा, एच का। ये एच आक्रमण कर दिया और बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल। यहां पर आकर के जुड़ जाएगा क्या, ये एच। अगर हम इसका नामकरण करें तो वहां तो बना था टू क्लोरोप्रोपेन, अब ये पहले पर जुड़ा हुआ एक दो तीन, क्या बन गया भाई वन क्लोरोप्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो गया मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक नियम, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। एक बार इसको हम सरसरी नजरों से वापस देख लेते हैं। एल्किन की हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया है, हेलो अम्ल कहते हैं जो हाइड्रोजन और हेलोजन से मिलकर के बना होता है, HF, HCl, HBr, HI, क्रियाशीलता देखी जाती है, HI की सर्वाधिक होती है, HF की सबसे कम। अब हम एल्किन की क्रिया देखते हैं, एल्किन में दो तरह की एल्किन है, दो अभिक्रिया लिखी हुई है, एक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, एक ये नीचे की तरफ लिखी हुई है दूसरी। सम्मिलित एल्किन पर जब हेलो अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हेलो अम्ल में नाभिक से इलेक्ट्रॉन से किसी भी द्विबंधित कार्बन पर या बहुबंधित कार्बन पर आक्रमण कर सकता है, जैसे ये एथीन है इसमें दोनों पर हाइड्रोजन जुड़े हुए सम्मिलित है, तो ये सीएल है वो इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है, इस कार्बन पर से भी जुड़ सकता है या आक्रमण कर सकता है। परंतु अगर असम्मिलित एल्किन है, कैसी एल्किन है, असम्मिलित एल्किन, जैसे ये लिए हमने असम्मिलित एल्किन, क्योंकि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है बहुबंधित कार्बन है उस पर प्रतिस्थापित है वो अलग अलग प्रकार के। अब इस पर अगर HCl आक्रमण करता है तो उसमें नाभिक समय अभिगमक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, ये कहता है मार्कोनिक, और इलेक्ट्रॉन समय अभिगमक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। परंतु यही अभिक्रिया अगर परोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो नाभिक समय अभिगमक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और इलेक्ट्रॉन समय अभिगमक वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। और इसका कारण क्या है तो उसकी क्रिया विधि देखोगे तो इसमें असमान विघटन होता है, मतलब क्रिया विधि देखी जाती है इलेक्ट्रॉन समय योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और ये मुक्त मूलक योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब आप ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। हेलो एल्केन के विघटन की हम तीसरी विधि पढ़ते हैं, वो है एल्कोलो से। एल्कोल से हम हेलो एल्केन का या एल्केन एलाइन का विघटन किस प्रकार से करते हैं, तो एल्कोल की तीन यौगिकों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोल की तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा हेलो अम्ल से या हाइड्रोजन एलाइन से। दूसरा फास्फोर से एलाइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोल की तो भी हेलो अम्ल बनता है। तीसरा है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हेलो अम्ल हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो उसमें से पहले देख लेते हैं एल्कोलो से, एल्कोल में नंबर एक है वो है हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया से। पहली अभिक्रिया किसके साथ है, हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया, हेलो अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है, हेलो अम्ल के साथ एल्कोल की अभिक्रिया करवानी है। हेलो अम्ल के अंतर्गत कौन कौन से अम्ल आते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आता है और हाइड्रोजन आयोडाइड आता है। अगर इनकी क्रियाशीलता की बात की जाती है तो सर्वाधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, सबसे कम क्रियाशील होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसमें से एल्कोल है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया सामान्यतः प्रदर्शित नहीं करता है और उसके अलावा सभी हैलाइडों के साथ ही अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा और हेलो एल्केन का निर्माण करता है। तो हम एल्कोल में एक एल्कोल ले लेते हैं एथेनॉल, कौन सा एल्कोल ले लिया हमने, एथेनॉल, जिसका अणुसूत्र होता है ये C2H5Cl, सॉरी OH, एल्कोल लेना EOH। एक और ले लिया C2H5OH, एक और ले लिया C2H5OH, इनकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ, हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया। पहले की अभिक्रिया करवा दी HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ, दूसरी करवा दी HBr के साथ और तीसरी करवा दी HI के साथ, तीनों यौगिकों की अभिक्रिया करवा दी। HCl के साथ करवाएंगे तब ये उपस्थिति में होती है निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में जब अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोल की इसके साथ तो ये अभिक्रिया उपस्थिति में होती है H3PO3 की, H3PO4 की उपस्थिति में, R तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। जब यह अभिक्रिया आपस में होगी तो यहां से बाहर निकल जाएगा OH, यहां से H जल, यहां से भी निकल जाएगा जल का अणु, यहां से भी निकल जाएगा जल का अणु। जैसे ही यह बाहर निकलेंगे तो ये एल्किल समूह है इस Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा क्या भाई, ये बन जाएगा C2H5 और इससे क्या जुड़ गया, ये Cl जुड़ गया।
फिर आगे से उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। इसी प्रकार इस एल्केन समूह से ये ब्रोमाइड जुड़ जाएगा C2H5Br और सह उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये अभिक्रिया हुई, क्या बन गया C2H5I प्लस बाहर क्या निकल गया, H2O। इस पहली अभिक्रिया जो एथेनॉल की अभिक्रिया HCl के साथ है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, इसका नाम भी है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं ग्रोव अभिक्रिया। ग्रोव अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ग्रोव अभिक्रिया। और बाकी जो दोनों अभिक्रिया है ये प्रयोगशाला में संपन्न होती है, इसलिए इसको लैब अभिक्रिया भी बोलते हैं, लेबोरेटरी रिएक्शन भी कहा जाता है। अब ये तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये है SN फर्स्ट प्रकार की अभिक्रिया। कौन से प्रकार की अभिक्रिया, जो आगे हम पढ़ेंगे इसकी विस्तृत व्याख्या। नाभिक एक अणु नाभिक शनैः प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस एक अणु नाभिक शनैः प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये अभिक्रिया है वो सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है 3 डिग्री एल्कोहल के द्वारा। सर्वाधिक कौन सा एल्कोहल प्रदर्शित करता है, 3 डिग्री, उसके बाद प्रदर्शित करता है 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम ये अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है वो कौन से एल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कौन से एल्कोहल के द्वारा, प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका नेम रिएक्शन है, नाम है, इसलिए याद रखना एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ नेचुरल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसका नाम है, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ग्रोव अभिक्रिया बोलते हैं, और एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये तो हो गई हेलो अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की, या एल्कोहल की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ। दूसरी अभिक्रिया है वो एल्कोहल की है, वो करवाई जाती है फास्फोरस कैलाइन के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस के 2 तरह के हैलाइड होते हैं, फास्फोरस की संयोजकता 1 तो होती है, 3 और 1 होती है 5, एक बनता PX3 और एक बनता PX5, एक तो बनता है ट्राई हैलाइड और एक बनता है टेट्राहैलाइड, एक पेंटा और एक ट्राइहैलाइड बनता है। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ। पहले हम करवा देते हैं ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया, इसमें भी क्लोराइड भी बनेगा, ब्रोमाइड भी बनेगा, आयोडाइड भी बनेगा, बट आयोडाइड और ब्रोमाइड अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, क्लोराइड करेगा। तो ये ले लिया हमने जैसे एल्कोहल C2H5, ये O और ये H, इसके अणु की संख्या ले ली हमने 3, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु C2H5, ये O और ये H, ये तीसरा अणु C2H5, ये O और ये H। इन तीनों अणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं हम, ये O और H, इन तीनों के अणुओं की अभिक्रिया करवा दी PCl3 के साथ। इसके साथ अभिक्रिया करवाई PCl3, उससे कितने Cl जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए, ये PCl3 के साथ अभिक्रिया हो गई। जैसे ही अभिक्रिया करेगा PCl3 के साथ तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H3PO3। ये C2H5 HCl के साथ जुड़ जाएगा, ये C2H5 HCl के साथ जुड़ जाएगा, ये C2H5 HCl के साथ जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा 1, 2, 3 HCl है तो बन जाएंगे 3C2H5Cl और सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा H3PO3, जिसको बोलते हैं ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, और एक क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड। ये तो हो गई पहली अभिक्रिया PCl3 के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया इसमें वह है PCl5 के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ। अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं, यही एल्कोहल ले लिया एथेनॉल C2H5, ये O और ये H, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है PCl5 के साथ। ये P है, Cl कितने जुड़े हुए, 5, ये पहला जुड़ गया, ये दूसरा जुड़ गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया PCl5। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो ये यहां से वियोजित हो जाता है, ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5Cl, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, POCl3, क्या बन जाएगा, POCl3। ये हो गई अभिक्रिया PCl5 के साथ। अगर हम ये तो क्लोराइड बना, यहां पर भी क्लोराइड बना, यहां पर भी क्लोराइड बना, एक यहां पर नोट पॉइंट है,
वो नोट पॉइंट ये है, अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है तो उसमें एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है भाई। जैसे ये एल्कोहल है और उस एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाएंगे वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ब्रोमाइड प्राप्त करना है ब्रोमीन के साथ क्रिया करवानी है, आयोडाइड प्राप्त करना है किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? आयोडाइड के साथ। जब करवाएंगे तो ये बन जाएगा C2H5Br, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तब, और अगर आयोडीन के साथ कराओगे तो बन जाएगा C2H5Br। ब्रोमाइड और आयोडाइड उपस्थिति किसकी? लाल फास्फोरस की। ये जानकारी ठीक है। तो ये दूसरी है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, एक तो होता है ट्राई हैलाइड और एक होता है पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड में जब अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या बन जाएगा? H3PO3 सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा, हेलो एल्केन बन गया। पेंटा हैलाइड के साथ करवाएंगे तो सह उत्पाद बन जाएगा एक तो POCl3 जिसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड, और बन गया क्या? हेलो एल्केन बन गया। अब एल्कोहल की तीसरी अभिक्रिया एक और है, वो है थायोनिन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? थायोनिन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्लोराइड के साथ। थायोनिन क्लोराइड का अणुसूत्र होता है SOCl2। कौन सा अणुसूत्र होता है? SOCl2। और इस अभिक्रिया का एक नाम है, नेम रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि नेम रिएक्शन है ये, दूसरा नाम आया है। नाम क्या है? डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। अगर हम यहां पर देखें एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएं तो ये ले लिया एल्कोहल C2H5, ये O और ये H। थायोनिल क्लोराइड का अणुसूत्र होता है SOCl2, तो ये लिख दिया SOCl2। S ये डबल बॉन्ड, O ये Cl और ये Cl, SOCl2। ये अभिक्रिया है वो होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? ये पिरिडीन। किसकी उपस्थिति में होती है भाई? पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। जब करवाएंगे तो यहां से निकल जाएगा C2H5Cl, यहां से निकल जाएगा HCl, ये बन जाएगा SO2, बन जाएगा क्या उत्पाद? C2H5Cl। एक क्या बन गया? SO2। एक क्या बन गया? HCl। ये तो सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल गए, ये बन गया क्लोरो एथेन या हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। एक इसमें भी नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट ये है कि अगर इससे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की कोशिश करें तो उनका निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता है, और SOI2 जो आयोडाइड बांड प्राप्त करने के लिए चाहिएगा ये असंभव है। क्या है? असंभव। इस कारण इस विधि के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होता है। ये तीन विधियां हो गई, एल्कोहल से अलग अलग इंपॉर्टेंट है तीनों ही। एल्कोहल की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ करवाएंगे, हेलो एल्केन का निर्माण होगा। हेलो अम्ल के अंतर्गत आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, उनके साथ करवाएंगे। किस प्रकार की होगी? क्योंकि ये एक अणुनामिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ये अभिक्रिया 3 डिग्री एल्कोहल सर्वाधिक प्रदर्शित करेगा और प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम, और इनका स्थायित्व है वो काल घनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। फिर एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ, तो PC फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, एक पेंटा हैलाइड एक ट्राई हैलाइड। पेंटा हैलाइड जब क्रिया करेगा तब सह उत्पाद के रूप में निकलेगा फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड, और ट्राई हैलाइड क्रिया करेगा तब सह उत्पाद के रूप में निकलेगा ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन, इसमें भी प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन। इस अभिक्रिया में अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो अभिक्रिया करवानी पड़ेगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, न कि हैलाइड के साथ। लास्ट अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, भाषा के रूप में बोला है कह सकते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनते हैं क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड अस्थायी होते हैं, दोनों ही एक तो अस्थायी है दूसरा संभव नहीं। अब देखो इसका स्क्रीन, हेलो एल्केनो का विघटन में हमारी चौथी विधि है वह हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय में क्या होता है कि इसमें दो अभिक्रियाएं पटेंगे, दोनों नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हेलोजन व्युत्पन्न की हेलोजन व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उसमें पहली अभिक्रिया है हमारी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया
रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं कि इसमें अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड की। इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु क्लोराइड के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है धातु क्लोराइड के साथ, धातु फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है। यह अभिक्रिया संपन्न होती है एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में होती है। जब एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करती है, यहां से धातु इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड के रूप में निकल जाती है बाहर और प्राप्त हो जाता है एल्किल क्लोराइड, और धातु हैलाइड निकल जाता है बाहर। इस अभिक्रिया को कहा जाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, उनसे अभिक्रिया कहते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में धातु क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, इसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया CH3Cl, उसकी अभिक्रिया करवाई धातु क्लोराइड के साथ AgF के साथ करवाई, किसकी उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, ये ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल, यहां से AgCl निकल जाएगा बाहर और ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा भाई CH3F प्लस बाहर क्या निकल गया AgCl। इस अभिक्रिया को कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया हैलोजन विनिमय। दूसरी इसमें अभिक्रिया है वह है फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया, फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड की, पहले देख लेते हैं इसको, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ, इसके साथ सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है एसीटोन की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी ली जाती है यहां पर एसीटोन की। जब एसीटोन की उपस्थिति लेता है तो सोडियम हैलाइड तो निकल जाएगा बाहर, बन जाएगा क्या एल्किल आयोडाइड, और NaX निकल जाएगा बाहर। इस अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया, क्या कहते हैं फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो ये ले लिया C2H5Cl, उसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम आयोडाइड के साथ, इसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, जैसे ही करवाएंगे तो यहां से निकल जाएगा ये बाहर, बन जाएगा क्या C2H5I प्लस से उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। ओके, इसी प्रकार आप ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, यहां पर ये भी ले सकते हैं C2H5Br, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई सोडियम आयोडाइड के साथ, इसकी उपस्थिति में एल्किल एसीटोन की उपस्थिति में, जब करवाएंगे तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा C2H5Br प्लस बाहर क्या नहीं सॉरी आई और Br निकल जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा NaBr, एल्किल आयोडाइड बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया। तो फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया है वो एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया है, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। ये दो नए रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हैलोजन विनिमय। अब हम इसके बाद में, ये तो चौथी अभिक्रिया हो गई, उसके बाद हेलो एल्केन बनाने की पांचवी अभिक्रिया बढ़ते हैं, वो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम है हुंसबीकर अभिक्रिया, हुंसबीकर अभिक्रिया। ये भी नेम रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं RCOOH और उसमें एच निकल जाता है एजी जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, इसके साथ करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, जैसे यहां पर ले लिया ये Br2 ब्रोमीन के साथ। यह अभिक्रिया है वो होती है CCl4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होती है CCl4 की उपस्थिति में होती है। जब अभिक्रिया होगी तो यहां से ये टूट जाएगा और यहां से ये टूट जाएगा, मतलब क्या बढ़ जाएगा CH3Br, एक तो ये बन गया CH3Br, एक बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बन जाएगा AgBr, ये बन गया एल्किल हैलाइड। इस अभिक्रिया को कहा जाता है हुंसबीकर अभिक्रिया। परिभाषित करें तो परिभाषा यह हो जाएगी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हुंसबीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब हेलो एल्केन बनाने की लास्ट अभिक्रिया है, अभिक्रिया नंबर 6, वो है प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन को प्रदर्शित किया जाता है RNS2 के द्वारा।
किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? RNH2 के द्वारा। तो जैसे हमने ये एक प्राथमिक अमीन ले ली C2H5NH2, ओके, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है टिल्डेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? टिल्डेन अभिकर्मक, जिसका अणुसूत्र होता है NOCl, NOCl जिसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है। जब टिल्डेन अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, यहां से ये निकल जाता है बाहर, यहां से निकल जाएगा ये बाहर, H2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, बन जाएगा एल्किल हैलाइड, ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया को कहा जाता है प्राथमिक अमीन से हेलो एल्केन का विरचन। और इस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? टिल्डेन अभिकर्मक, या इसका रासायनिक नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये तो हो गई भाई हमारे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, छह विधियां पढ़ी हमने। पहली पढ़ी थी एल्केन से, दूसरी एल्कीन से, तीसरी एल्कोल से, चौथी पढ़ी हेलोजन विनिमय, पांचवी पढ़ी उद्दीकर अभिक्रिया, छठी पढ़ी प्राथमिक एमीन से। छठी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे, कॉम्पिटिशन दे तो भी आता है, और सामान्य एग्जाम दे, बोर्ड एग्जाम, उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आता है। चार पांच नेम रिएक्शन भी थी, क्रिया विधि वाली भी थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।